और मैं फर्स्ट और बरकत अंकल जी का भी धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया। आइए हम कहानी को सुनाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 इतने सामर्थ्य और परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा महान जी परमेश्वर जी राजा, जो भी पिता वंश हम आज तक बच्चों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, मदद करना पिता वंश, और इन लोगों को परमेश्वर कहानी समझ में आने पाए परमेश्वर मसीह, और परमेश्वर कहानी के द्वारा ये सब लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी विनती मांग लेते हैं, जीवित नाम से सोना बहकर आमीन। आज मैं आप सभी को आयुब के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आयुब पे कितनी मुसीबत आई, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और ना ही उसकी निंदा की। तो आयुब उस देश में रहने वाला था और वो सीधा और खरा व्यक्ति था। तो उसकी बहुत सारी संपत्ति थी क्योंकि पूर्वी देशों में उसके समान कोई तुल्य अमीर नहीं था। तो एक दिन उसके बेटे बेटियां बड़े भाई के घर पे खाना खाने के लिए गए थे। तो फिर खाना खाने के लिए गए थे तो फिर उसके बाद वो खाना खा के आए तो परमेश्वर का एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे थे कि सावा के लोग धावा करके कि उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। तो फिर आयुब फिर भी कुछ नहीं कहा उसने, फिर वो यही कह रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि दूसरा भी आकर ये कहने लगा कि हम तुम दूसरा भी एक आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से स्वर्ग से गिरी और वे उससे तेरी भेड़ बकरी तेरी संपत्ति का नाश हो गया। फिर भी आयुब ने कुछ भी नहीं कहा परमेश्वर के लिए। तो ये आपको मिलेगा आयुब की पुस्तक उसका पहले से पहला पहला चैप्टर 13 से 15 तक। तो इसमें क्या हमने सीखा कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर उसने दूसरी बार भी उसपे भी शैतान आकर कहने लगा परमेश्वर के सामने ही। शैतान एक दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित है और उनके भी शैतान भी आया। तो शैतान आया और शैतान से यहोवा ने पूछा तू कहाँ से आता है। तो उसने कहा कि मैं इधर उधर डोलते डालते आता हूँ। तो फिर तो यहोवा ने उससे कहा क्या तूने मेरे आयुब दास के ऊपर क्या मतलब दृष्टि की है। तो शैतान ने कहा हाँ। तो बोला परमेश्वर ने कहा कि उसके तुल्य कोई भी नहीं है। तो फिर शैतान ने कहा तू एक बार उसके ऊपर से अपना हाथ हटा ले। तो फिर उसने कहा कि मैं देखना वो तेरी तेरे मुंह पे निंदा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं वो निंदा नहीं करेगा। तो फिर शैतान ने उसकी परीक्षा ली। तो फिर एक उसे फोड़ों से पीड़ित कर दिया। लेकिन फिर भी उसने उसकी पत्नी जो थी वो कहने लगी क्या फिर भी तू परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा, चाहे मर जाए तो मर जाए। तो फिर आयुब ने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो हमें सुख देता तो हम उसके हाथ से दुख ना लें। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ इस कहानी से हमने 3 बातों को सीखा है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए, और चाहे कितनी भी दुख मुसीबत आए फिर भी हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और तीसरी बात, हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू, परमेश्वर इस कहानी से आप सभी को आशीष दे।